अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौरिया सिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जौरिया सिम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्य किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, उतले खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल मेडिसिनल फ्रूट को सेलेक्ट किया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को सेट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा इसे सेट्रिक 9 ट्री फ्रूट भी बोला जाता है, इसके अलावा इसे पॉइजन फ्रूट भी बोला जाता है, और दूसरे इसे कॉकर बटन फ्रूट भी बोला जाता है। और दोस्तों ट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट जो है नेटिव तौर पर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज्यादा उगता है। और दोस्तों दिखने के अंदर ग्रीन कलर का होता है, और दोस्तों जब पक जाता है तो ऑरेंज कलर का हो जाता है। और दोस्तों इसका जो पल्प होता है अंदर से बहुत वाइट बिटरी स्वीट होता है। और दोस्तों इसके बीच के अंदर एक्सट्रीमली पॉइजन सिट्रिकनेन कंपाउंड पाया जाता है। और दोस्तों ये फल जो है रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा उगा हुआ नजर आता है। दोस्तों वहाँ पे से एनिमल्स बहुत ज्यादा खाते हैं। और दोस्तों हकीम लोग इसे हर्बल मेडिसिन बनाने के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये फल जो है विटामिन सी से भरपूर होता है। दोस्तों सिट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात की जाए तो ये मर्दाना जिनसे कमजोरी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके त्रासल के अंदर सख्ती नहीं आती, दोस्तों उनकी अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज है। और दोस्तों उज़्वे त्रासल के अंदर सख्ती लेकर आता है, तनाव में इजाफा करते हैं। और दोस्तों इसे मैदे के अमराज के अंदर भी इस्तेमाल करवाया जाता है, स्पेशली मैदे की सोजिश को ये दूर करता है। और दोस्तों इसके अलावा पुरानी कब्ज़ को भी दूर करता है। और दोस्तों ज़हनी तनाव और डिप्रेशन की अद्वियात के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनका अक्सर सर दर्द रहता है और जिनके आधे सर का दर्द है, जिन्हें माइग्रेन है, ज़हनी परेशानी और जिनों की वजह से उनके अक्सर सर के अंदर दर्द रहता है, और दोस्तों स्ट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट जो आपको ड्राई फार्म के अंदर आसानी के साथ इन सारी शॉप से मिल जाएगा, आप इसे हर बार ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ये तो थे स्ट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे से। और दोस्तों जैसे वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट में बताया, इसके सीड्स के अंदर बहुत ही जहरीले मरकबात पाए जाते हैं। तो दोस्तों अपने से खुद से इस्तेमाल नहीं करना, अभी आप इसका कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं आपने किसी अच्छे हकीम के साथ मशवरा कर लेना है। अदरवाइज अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या खुद से इस्तेमाल करेंगे तो ये मसल्स के अंदर दर्द पैदा करता है, खिंचाव पैदा करता है। और दोस्तों एक्सट्रीम यूज करने से जिस्म के अंदर बेचैनी होती है, दोस्तों मुंह खोलने में तकलीफ होती है, और एक्सट्रीम यूज करने से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से आपने इस फ्रूट को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दिए, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। दोस्तों मजीद आपका कोई सवाल है स्ट्रिकनोस नक्स वोमिका फ्रूट के हवाले से, और दोस्तों जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और नायाब फ्रूट के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौलिया अज़ीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।